ये जो अंधा भिखारी था, ये अंधा था, इसने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखा था, पर मैं विश्वास करता हूँ कि इसने कहीं ना कहीं से यीशु मसीह के बारे में और उनके अनुग्रह के बारे में इसने सुना था, इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहकर किसने पुकारा, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वो दाऊद की संतान है। हमारा नया नियम कैसे शुरू होता है? नया नियम शुरू होता है मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय में, हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान, बट इंग्लिश में लिखा हुआ है और ग्रीक में लिखा हुआ है द सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान और अब्राहम की संतान। दाऊद कौन था? राजा। ये नया नियम शुरू होता है। नया नियम खत्म कैसे होता है? प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने मुँह से बोल रहे हैं, स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं कि मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। तो नया नियम शुरू होता है दाऊद की संतान, नया नियम खत्म होता है मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। सो आई बिलीव कि जब ये प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कह करके पुकार रहा है, इसका मतलब है कि इसने कहीं ना कहीं से यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, इसने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में सुना होगा कि यीशु दाऊद की संतान है जो पापियों को बचाने के लिए आया, जिसने मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आँखें दी, जो कोढ़ी हैं, जो लेपर्स हैं, प्रभु ने उन्हें चंगा किया। इसने कहीं ना कहीं से यीशु के बारे में सुना था, इसलिए सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको फिर से ये सुंदर समय दिए कि आज की शाम को मैं और आप, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम एक साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम इकट्ठे हो सके हैं। हम धन्यवाद देते हैं हम अपने परमेश्वर पिता, अपने प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को जो आज हमारे बीच में है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ कहीं मेरे नाम से दो या चार इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठे हुए हैं कि आज हम यीशु मसीह को, हम उसके वचन में, उसके अनुग्रह में हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकें। सो जब हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हुए हैं सो हमारा विश्वास है कि प्रभु की प्रेजेंस यहाँ पे है। बाइबल बोलती है इब्रानियों 13वें अध्याय के 5वें पद में, वहाँ पे परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर पिता हमेशा हमारे साथ हैं। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जहाँ कहीं मेरे नाम से दो या चार इकट्ठे होते हैं, तो यहाँ पे प्रभु ने कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग की बात की। कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग का मतलब होता है कि जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं यीशु के नाम से, वहाँ पे एक अद्भुत अनॉइंटिंग, एक अद्भुत अभिषेक वहाँ पे रहता है जो आज मेरे और आपके साथ है। मैं और आप, हम पैशन का जो महीना है, हम इस पैशन के महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं, अप्रैल का महीना, और आने वाले दूसरे संडे में, आज का जो संडे है उसके बाद अगला संडे पाम संडे है, और उसका जो अगला संडे है वो है रिजरेक्शन संडे, पुनरुत्थान का संडे है, जो जिसमें हम अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों को और हमारी विक्ट्री को हम स्मरण करेंगे। आने वाले जो नेक्स्ट संडे होगा जिसमें हम ऑनलाइन गैदर होंगे, उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस प्रकार से यीशु मसीह की जो विक्ट्री है, यीशु मसीह की जो जीत है, वो मेरी और आपकी जीत है, वो हम रिजरेक्शन संडे के लिए हम रखेंगे। पर आज के लिए परमेश्वर पिता एक बहुत ही स्पेशल मैसेज, एक विशेष अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में दिया, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ आज प्रेजेंट टाइम्स के लिए, जिसे मैं रेमा वर्ड बोलता हूँ। रेमा का मतलब होता है REHMA, रेमा का मतलब होता है नाउ वर्ड, आज के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए वचन रखा है। ये जो पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर है, जो बाइबल में से जो वचन है जो मैं आपके साथ रखूँगा, इसे मैं कई बार, मैं इसे पढ़ करके मैं निकल चुका हूँ और कई बार मैंने इसके ऊपर प्रीच किया हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था। बट परमेश्वर का वचन, बाइबल इज समथिंग कि आप पूरी बाइबल को कंप्लीट कर लो फिर भी आप बाइबल को कंप्लीट नहीं कर सकते। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी बुक है जिसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। एवरी टाइम व्हेन यू रीड बाइबल यू सी समथिंग न्यू, जब भी आप बाइबल को खोल करके पढ़ेंगे आप हमेशा उसमें एक नई चीज़ों को देखने के लिए पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा, आपको याद होगा, मैं हमेशा जब मीटिंग में क्लोज करता हूँ तो मैं एक प्रेयर मैं आप लोगों के ऊपर विशेष रूप से करता हूँ, जो कि मेरी पर्सनल प्रेयर है अपने लिए और साथ ही मैं आप सब लोगों के लिए करता हूँ, Ephesians 1:17, कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे, क्योंकि हमारी पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। और पवित्र आत्मा जब
प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जब पर्दे को हटाते हैं, तब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को उनके अनुग्रह में हम वचन में हम देखने के लिए पाते हैं, उनके अनुग्रह में। ये हमारे लिए बहुत खुशी और बहुत घमंड की बात है। बाइबल बोलती है यर्मिया 9वें अध्याय में, वहाँ पे परमेश्वर पिता ने वहाँ पे बोला 9 अध्याय के 23वें पद में कि ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, ना धनी अपने धन पर, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, पर जो कोई घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और मुझे पहचानता है। ये मेरे और आपके घमंड का कारण है। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं इस बात में घमंड नहीं करता कि मैं बुद्धिमान हूँ, वीर हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सारी वेस्ट मटेरियल चीज़ है। आज मैं और आप, हम जिस चीज़ पर घमंड करते हैं वो ये चीज़ है कि आज हम सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को जानते हैं और हम उसे पहचानते हैं। ये हमारे घमंड का कारण है। जो पैशन वीक में जब हम प्रवेश करते हैं तो पाम संडे से सारा जो इवेंट है, प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग का, प्रभु यीशु मसीह के दुख का, जो दुख भोग सप्ताह जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, हम उसे बाइबल में से देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सारे दुख को सहे। यीशु मसीह में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं था या मिस्टेक नहीं था या पाप नहीं था जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की सज़ा मिले। और क्रूसिफिकेशन की जो सज़ा है, क्रूस की सज़ा है, वो बहुत कठोर सज़ा मानी जाती है। अभी भी जब आप पढ़ेंगे क्रूस की सज़ा को, तो जो पूरा इतिहास है उसमें सबसे भयानक सज़ा जो होती है, जो थी आज प्रेजेंट टाइम्स में अभी तक में, वो क्रूस की सज़ा है। प्रभु ने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया था जो उनको क्रूस की सज़ा मिलती। ये मेरे और आपके पाप थे जिसकी सज़ा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने बदले में अपना जीवन और बहुतायत का जीवन मेरे और आपको दिया। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, हम नए नियम में जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो सुसमाचार में हमको दुख भोग सप्ताह की सारी हिस्ट्री जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, जो प्रभु ने हमारे लिए सही, हमको देखने के लिए और पढ़ने के लिए मिलता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग सप्ताह में प्रवेश करने से पहले, जो उसके पहले का जो पोर्शन है, जो उसके पहले का जो भाग है, वो एक बहुत ही असेंशियल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो भाग है, ये पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, तो 11वें अध्याय में आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश, जिसको हम पाम संडे बोलते हैं, खजूर का रविवार बोलते हैं। पर खजूर के रविवार से पहले जब हम पढ़ते हैं, जो कि मरकुस 10वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बाइबल हमको बताती है प्रभु यीशु मसीह वो अपने चेलों के साथ वो यरीहो में थे। और ये जो पोर्शन है, जब आप अपनी बाइबल रखें अपने हाथ में, तो आप उसे खोल करके देखिए, मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 46 पद से लेकर के 52 पद तक, ये जो पोर्शन है, ये जो पद है, 6 पद जो है 46 पद से लेकर के 52 तक, इसे मैं कई बार मैं पढ़ करके इसे निकल चुका हूँ, और इस 6 पद में से कई बार परमेश्वर ने मुझे नई नई बातें दी हैं जिसे मैं प्रीच कर चुका हूँ, मैं इसे प्रचार कर चुका हूँ। पर अभी हाल ही में, कुछ दिन पहले ही, मैं इसे फिर खोल करके जब मैं पढ़ रहा था, मैं इसमें मेडिटेट कर रहा था, परमेश्वर पिता ने मुझे एक फिर से फ्रेश रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया, एक विशेष प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, जो कि बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ा है। मैंने किसी को इस विषय पर प्रचार करते हुए मैंने नहीं सुना, और मैंने किसी को भी इस बात का प्रकाशन डालते हुए नहीं देखा जो परमेश्वर ने मुझे दिया। सो इट्स अ डायरेक्ट फ्रॉम गॉड, और आई बिलीव कि आप लोग पहले हैं जो इस प्रकाशन को रिसीव करेंगे, एंड आई बिलीव कि आप इस प्रकाशन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम आप आशीषित होने वाले हैं। सो क्या आप तैयार हैं इस प्रकाशन को पाने के लिए? सो हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में हम जाएंगे उसके 10वें अध्याय, ये प्रभु यीशु मसीह के विजय प्रवेश से, पाम संडे से पहले की घटना है। आज हम कौन से संडे में हैं? आज हम पाम संडे से एक संडे पहले में हैं, मैं और आप, आज प्रेजेंट टाइम्स में। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो यरीहो में थे, और यरीहो में 10वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह यरीहो में थे, और 11वें अध्याय में बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश किए। तो यहाँ पे दो सिटी, दो शहर हमारे सामने में आता है। पहला शहर क्या है? पहला शहर है यरीहो, दूसरा शहर है यरूशलेम। सिटी जो है यरूशलेम 11वें अध्याय में है, यरीहो जो है ये 10वें अध्याय में है। बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो से होकर के वो गुजर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली, और जब बड़ी भीड़ वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली, तो वहाँ पे एक अंधा भिखारी था,
और वहाँ पे उस भिखारी के पिता का नाम दिया हुआ है, उस भिखारी के पिता का नाम था, भीख मांगने वाले के पिता का नाम तिमाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तिमाई का जो पुत्र था, बाइबल में लिखा हुआ है बर तिमाई, उस व्यक्ति का कोई नाम नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बरतिमाई जो है, बार जो है, ये एक आरामी शब्द है। आरामी में बार का मतलब होता है पुत्र। जिस प्रकार से आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 15वें पद में, हमको लिपालकपन की आत्मा मिली जिससे हम हे अब्बा, हे पिता पुकारते हैं। पवित्र आत्मा ने वहाँ पे आरामी शब्द अब्बा को होली स्पिरिट ने ट्रांसलेट नहीं किया, पवित्र आत्मा ने उस शब्द को, अब्बा शब्द को ट्रांसलेट नहीं किया। तो अब्बा एक आरामी शब्द है जिसका मतलब होता है पिता। उसी प्रकार से आरामी शब्द है बार, बार का मतलब होता है पुत्र। और यहाँ मरकुस 10वें अध्याय में दिया हुआ है बार तिमाई, बार तिमाई का मतलब होता है तिमाई का पुत्र। तो वो जो अंधा था, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, उसका अपना कोई नाम भी नहीं था, लोग उसे जानते थे तिमाई के पुत्र के नाम से। उदाहरण के लिए जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, वो उदाहरण हम कोई भी नाम ले लेते हैं, रमेश, वो रमेश का बेटा है, ऐसा हम उदाहरण ले करके हम यह मान करके चलते हैं। सो हमारे भाषा में बोला जाता है वो फलाना फलाने का बेटा है। उसी प्रकार से इसराइल में वो उस व्यक्ति को बोलते थे ये तिमाई का बेटा है। तो वहाँ पे जो भाषा बोली जाती थी वो आरामी भाषा थी, तो वहाँ पे बोलते थे बर तिमाई, तिमाई का ये पुत्र है। उसका अपना कोई नाम भी नहीं था, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो मनुष्य बैठ करके वो यरीहो में भीख मांग रहा था, परंतु उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, तब उसके मन में विश्वास उत्पन्न हुआ। एंड आई बिलीव, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, उसने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखा था, वो अंधा था, परंतु निश्चित उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं ना कहीं से उसने यीशु के बारे में सुना होगा। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि उसकी अगली लाइन में जब उसने सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, वो व्यक्ति जो अंधा था वो पुकार करके बोला, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने नगर को गए, नासरत को, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पले बढ़े, प्रभु यीशु मसीह का बचपन वहाँ पे गुजरा, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे गए, तब वहाँ के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कैसे देखा? प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि अरे, क्या ये बढ़ाई का पुत्र नहीं जो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ पला बढ़ा? क्या ये यूसुफ बढ़ाई का पुत्र नहीं? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक संसारिक रूप में देखा। और चूंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को संसारिक रूप में देखा, प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ है कि वो नासरत में बहुत मिरेकल परफॉर्म नहीं किए, कुछ बीमारों पर हाथ रख करके प्रभु यीशु मसीह चले गए, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को संसारिक रूप से देखा, नेचुरल रूप से देखा कि ये तो यूसुफ का पुत्र है, बढ़ाई का पुत्र है, इस प्रकार से उन्होंने यीशु को देखा। ये जो अंधा भिखारी था, ये अंधा था, इसने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखा था, पर मैं विश्वास करता हूँ कि इसने कहीं ना कहीं से यीशु मसीह के बारे में और उनके अनुग्रह के बारे में इसने सुना था। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कहकर किसने पुकारा, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वो दाऊद की संतान है। हमारा नया नियम कैसे शुरू होता है? नया नियम शुरू होता है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय में, हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान, बट इंग्लिश में लिखा हुआ है और ग्रीक में लिखा हुआ है द सन ऑफ डेविड, दाऊद की संतान और अब्राहम की संतान। दाऊद कौन था? राजा। ये नया नियम शुरू होता है। नया नियम खत्म कैसे होता है? प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने मुँह से बोल रहे हैं, स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं कि मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। तो नया नियम शुरू होता है दाऊद की संतान, नया नियम खत्म होता है मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। सो आई बिलीव कि जब ये प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान कह करके पुकार रहा है, इसका मतलब है कि इसने कहीं ना कहीं से यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, इसने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में सुना होगा कि यीशु दाऊद की संतान है, जो पापियों को बचाने के लिए आया, जिसने मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आँखें दी, जो कोढ़ी हैं, जो लेपर्स हैं, प्रभु ने उन्हें चंगा किया। इसने कहीं ना कहीं से यीशु के बारे में सुना था, इसलिए वो यीशु को दाऊद की संतान कह करके पुकारा। पूरी न्यू टेस्टामेंट का जो सैंडविच होती है, न्यू टेस्टामेंट, वो दाऊद की संतान से सैंडविच होती है, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, और बीच में पूरा नया नियम है। सो ये जो
ये जो अंधा भिखारी था, इसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। ये यरीहो में रह करके ये भीख मांगा करता था। अब यहाँ पे इसे देखिए कि यरीहो जो है ये पृथ्वी का सबसे निचला स्थान में से आता है। डेड सी जो है, मृत सागर जो है, ये पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, जो कि समुद्री तल से 1400 फीट समुद्री तल से ये नीचे है। और यरीहो जो है ये मृत सागर से लगा हुआ शहर है, यरीहो जो है। और यरीहो के पास में ही वो इवेंट हुआ था। इसका मैं डॉक्यूमेंट्री में, जब मैं इसराइल में था, मैंने इसे बनाया था। जब यहोशू जब वो लड़ाई लड़ रहा था, तो यरीहो के निकट, बाइबल हमको बताती है कि यरीहो के निकट, जो कि पृथ्वी का निचला स्थान है, यहोशू ने प्रार्थना की और यहोशू ने बोला, हे सूर्य तू गिबोन की ओर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की ओर रुक जा। ये इवेंट है, ये यरीहो के पास हुआ। तो जब आप उस मेरी वीडियो को आप मेरे YouTube में देखोगे, तो आपको वहाँ से दिखेगा कि इस सामने में आपको यरीहो दिखेगा और जस्ट उसके बाजू में आपको मृत सागर दिखेगा। तो यरीहो और मृत सागर आपस में ये लगा हुआ है, और मृत सागर पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है और यरीहो उससे लगा हुआ है। तो यरीहो जो है ये पृथ्वी का सबसे निचला स्थान में से आता है, सबसे निचले शहर में यरीहो है, ये आता है। तो यरीहो में ये जो व्यक्ति है, ये यहाँ पे रह करके भीख मांगा करता था। प्रभु यीशु मसीह कहाँ थे? यरीहो में, मरकुस 10वें अध्याय में। और जस्ट 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वो यरूशलेम को गए। सो हम सीधा इसे, बाइबल इज़ वेरी क्लियर, बाइबल हमको ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो से वो यरूशलेम को जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह निचले स्थान से, नीचे वाले स्थान से वो ऊंचे स्थान को वो जा रहे थे। और यरूशलेम जो है वो महिमा का स्थान है, वो प्रेज का, परमेश्वर की महिमा का स्थान है, जिसे हम बोलते हैं प्रेज एंड वर्शिप। परमेश्वर की महिमा और स्तुति का वो जगह है यरूशलेम। तो यरूशलेम को प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। तो ये जो भिखारी है, ये यरीहो में बैठ करके भीख मांग रहा था, और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकले तो ये चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, जीसस ऑफ नाज़रेथ, हैव कंपैशन ऑन मी लॉर्ड। और जब वो ऐसा पुकार रहा था, तो आसपास जो लोग थे वो उसे डांटने लगे और डांट करके उसे बोले, चुप रह, तू क्यों उसे चिल्ला रहा है, चुप रह, उसे डांटने लगे। वहाँ बाइबल में लिखा हुआ, उसे डांटे। अब डांटने को इंग्लिश में बोला जाता है टू रिब्यूक, चुप रह, हल्ला क्यों कर रहा है। जिस प्रकार से आप जानते किस प्रकार से डांटा जाता है, उस प्रकार से लोग उसे डांटने लगे। बाइबल हमको बताती है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा था, बाइबल में आपको हिंदी बाइबल मिलेगा, यीशु मसीह ठहर गए। यीशु मसीह ठहर करके प्रभु यीशु मसीह बोले, उसे मेरे पास बुलाओ, उसे मेरे पास ले करके आओ। जस्ट थिंक, ये वो व्यक्ति था जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जिसका अपना नाम नहीं है, ये व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र को पुकार रहा है, यीशु नासरी को पुकार रहा है। और परमेश्वर का पुत्र, जिसके एक आदेश से स्वर्ग और पृथ्वी कांपती है, जिसके एक आदेश से आंधी रुक जाती है, इसने जब यीशु को पुकारा, परमेश्वर का प्रिय पुत्र अपने जगह पर रुक गए। और प्रभु यीशु मसीह ठहर करके, बाइबल बोलती है ठहर करके, प्रभु यीशु मसीह बोले, उसे मेरे पास बुलाओ। और वहाँ पे जो लोग थे वो उसे डांट रहे थे। उसी प्रकार से मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह से भरे हुए हैं। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के गलत पिक्चर को आपके जीवन में क्रिएट करते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो ऐसी बहुत सी आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी जो आपको बोलेंगे, अरे तू क्यों यीशु मसीह को पुकारता है, तेरे जीवन में बहुत सी गलतियाँ हैं, तू पापी है, तू मत पुकार, नहीं तो तुझे दंड दे देंगे। जस्ट थिंक, ये वो मनुष्य था जिसका अपना नाम भी नहीं था, इसने यीशु को पुकारा और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रुक गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, तो जो लोग उसे डांट रहे थे, वो लोग आकर के बोलते हैं कि चल, यीशु नासरी तुझे बुला रहा है। जस्ट थिंक, यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, तो ये जो लोग आपको एक्यूज़ कर रहे हैं कि अरे क्यों पुकार रहा है, अभी तुमको, गॉड इज़ अ होली गॉड, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और तुम पापी मनुष्य हो, तुम गंदे मनुष्य हो, तुम अपने पापी और गंदे मुंह से कैसे तुम परमेश्वर के पवित्र नाम को तुम पुकार सकते हो। ऐसे लोग यदि आपको बोलते हैं, तो बाइबल हमको क्या बताती है कि ये जो अंधा था, ये और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा।
ये और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर प्रभु, हैव मर्सी ऑन मी लॉर्ड। आज जो लोग आपको बोलते हैं कि अपने गंदे मुंह से प्रभु के नाम को मत निकालो, मेरी बाइबल बोलती है कि एवरीवन हु विल कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी सेव्ड। जितने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे वे सब बचा लिए जाएंगे। प्रेरितों के काम में और रोमियो की पत्री में आपको मिलेगा कि जीभ से अंगीकार किया जाता है धार्मिकता के लिए, ये आपको रोमियो 10वें अध्याय में देखने को मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द ग्रेस ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह जो पापी लोग हैं, जो निकृष्ट लोग हैं, जिनमें गलतियां हैं, जिनमें बुराइयां हैं, इन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए। और प्रभु यीशु मसीह जब उसे बुलाए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह भी आपको बुलाते हैं। आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ठहर गए हैं। प्रिय भाई और बहनों, आपको बस ये जानना है कि प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहे हैं। जस्ट थिंक, आप अपने आप को उस अंधे भिखारी की जगह में रख करके देखिए और सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसे मेरे पास बुलाओ, उस अंधे भिखारी को कैसा लगा होगा। जस्ट थिंक, उसे कैसा लगा होगा कि परमेश्वर का पुत्र मुझे बुला रहा है, मैं अपनी चंगाई को, अपनी ब्रेक थ्रू को, अपनी उस ड्रीम जॉब को जिसके लिए मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूँ, अब मैं पाने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह उसे बुलाए और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रभु यीशु मसीह ने लिटरली, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक ब्लैंक चेक प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रभु ने बोला, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, यू गिव मी दी ऑर्डर, आई विल डू इट। परमेश्वर का पुत्र बोल रहा है, तू बोल मैं क्या करूं तेरे लिए, व्हाट यू वांट, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा तेरे लिए। ये प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं लिटरली, या मैं दूसरे शब्दों में इसे बोलूं तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के बैंक अकाउंट से, वो स्वर्ग का बैंक अकाउंट जहाँ पे अनंत जीवन है, जहाँ पे जीवन की भरपूरी है, जहाँ पे आनंद है, खुशी है, शांति है, भरपूरी है, उस बैंक अकाउंट से प्रभु यीशु मसीह ने एक चेक निकाला और प्रभु ने उसमें दस्तखत किया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह उसमें दस्तखत किए, सिग्नेचर किए और प्रभु यीशु मसीह उस भिखारी को दिए, बोले तू क्या चाहता है, इसमें अमाउंट डाल, इसमें वो कीमत डाल जो तू चाहता है। और उस अंधे भिखारी ने बोला, प्रभु यह कि मैं देखना चाहता हूँ। सीधे शब्दों में उसने बोला, लॉर्ड आई वांट टू सी, यह कि मैं देखना चाहता हूँ। और प्रभु ने उस चेक को यीशु मसीह ने सैंक्शन कर दिया और उसी वक्त प्रभु ने बोला, तेरे विश्वास के अनुसार तुझे हो, और वो देखने लगा। और जैसी, आई बिलीव कि जैसी उसकी आंखें खुली होंगी, पहली चीज़ उसने देखी वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र था। अपनी आँखों से उसने जो पहली चीज़ देखी वो प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा। ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है प्रिय भाइयों और बहनों, कि जब हम सुने तो अपने उद्धारकर्ता यीशु की सुने, जब हम देखें तो अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। सो यरीहो जो है, हमारी बाइबल में यरीहो को एक लोवेस्ट प्लेस के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, जो कि पाप को दर्शाता है। जब आप यरीहो और यरूशलेम के आप कंपैरिजन की स्टडी करेंगे बाइबल में, तो आपको मिलेगा कि यरीहो जो है ये पाप का स्थान है, गलतियों का स्थान है, मिस्टेक का स्थान है, मिस्टेक की जगह है जहाँ पे बुराइयाँ और गलतियाँ हैं। परंतु वहीं यरूशलेम जो है वो अनुग्रह का स्थान है, वो महिमा का स्थान है, वो प्रेज और वर्शिप का स्थान है। दोनों का डिफ्रेंस है। तो प्रभु यीशु मसीह 10वें अध्याय के आखिरी पदों में यरीहो में थे और यरीहो से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को वो जा रहे थे। ये जो अंधा है, जैसे ही इसने प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह को पाया, जैसे ही इसने प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को इसने प्राप्त की, बाइबल हमको बताती, जब आप 52 पद में पढ़ेंगे तो आप देखिए वहाँ बाइबल में लिखा हुआ है कि वह भीड़ में यीशु के पीछे हो लिया। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे, वो यरीहो से यरूशलेम को जा रहे थे, क्योंकि जैसे ही 52 पद के बाद आप 11वें अध्याय को देखेंगे, बाइबल हमको बताती कि जब वह बैतनिया और बैतफगे के पास, जब वह जैतून पहाड़ में बैतनिया और बैतफगे के पास यरूशलेम में पहुंचा। सो जैतून पहाड़, जस्ट उसके सामने में आपको दिखेगा मोरिया पर्वत। मोरिया पर्वत के ऊपर परमेश्वर का मंदिर था। अभी प्रेजेंट में मोरिया पर्वत के ऊपर डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है, जो कि मुस्लिम्स लोगों के अंडर में है। मुस्लिम्स लोगों का डोम ऑफ द रॉक वहां पे बना हुआ है और उसी के पीछे में, मोरिया पहाड़ के पीछे में ही, जस्ट उस माउंटेन रेंज में लगा हुआ है सियोन पहाड़, माउंट जायन। और माउंट जायन में परमेश्वर पिता ने क्या बोला था कि यहाँ पे मेरा प्रेजेंस होगा, मेरी उपस्थिति सियोन पर होगी। और भजन संहिता में परमेश्वर पिता की जो आशीष है, क्या लिखा है बाइबल में, कि परमेश्वर तुझे सियोन से आशीष दे।
भजन संहिता 132 में दाऊद ने वहाँ पे, जब दाऊद ने परमेश्वर की मंदिर बनाने की जब इच्छा जाहिर की, तब दाऊद ने भजन संहिता 132 में लिखा कि मैं तब तक आराम नहीं करूँगा जब तक मैं परमेश्वर के भवन को यहाँ पे ना बना लूँ। सो यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति का जगह है, परमेश्वर की प्रेजेंस का स्थान है। यरीहो नहीं है, यरीहो में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, यरूशलेम में परमेश्वर की प्रेजेंस है, यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति है। सो ये जो अंधा भिखारी था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जो पाप में था, यरीहो में था, उसके जीवन में गलतियां थी, ऑफकोर्स हम मान सकते हैं उसके जीवन में गलतियां रही होंगी, बुराइयां रही होंगी, परंतु जब उसने यीशु के अनुग्रह को अपने जीवन में पाया, वो यरीहो को छोड़ करके वो यरूशलेम में चले गया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आ गया, परमेश्वर के अनुग्रह में आ गया और अपने उस गलती के स्थान को, उस पाप के स्थान को वो छोड़ करके महिमा और अनुग्रह के स्थान में ये प्रवेश कर गया। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर पिता जो हैं, ये मेरे परमेश्वर पिता मेरे और आपको हमेशा उन जगहों पर ले करके जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। कुलुसियों में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, गॉड इज़ द वन हु इज़ वर्किंग इन अस बोथ टू विल एंड टू वर्क। ये हिंदी में लिखा हुआ है, परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में काम करते हैं। पहली चीज़, हमारे जीवन में परमेश्वर पिता इच्छा डालते हैं किसी काम को करने के लिए, और उस काम को पूरा करने वाले भी स्वयं परमेश्वर पिता हैं। उदाहरण के लिए, यदि परमेश्वर पिता ने आपके मन में एक इच्छा डाली कि आज की शाम को मैं परमेश्वर के लिए, मैं एक ऑनलाइन मीटिंग में मैं परमेश्वर के लिए महिमा के गीतों को मैं गाऊँ, ये परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में इच्छा को डाली, और परमेश्वर पिता आपके मन में गीत डालेंगे कि आपको कौन से गीतों को गाना है, और परमेश्वर पिता आपको अनुग्रह देंगे कि आप उस पूरे उस कार्य को आप पूरा करो। इसे दाऊद बहुत ही सुंदर तरीके से बोलता है भजन संहिता 23वें अध्याय में, कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक भेड़ के जीवन को आप देखोगे तो एक भेड़ जो रहती है उसे इस प्रकार की चिंता नहीं रहती कि मुझे कल कौन से गार्डन में जाना है, कौन सी पैश्चर्स में मुझे जाना है चराई चरने के लिए। भेड़ को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती कि कहाँ पे घास कम है, कहाँ पे घास ज़्यादा है, नहीं। भेड़ जो रहती है वो पूरी तरह से अपने चरवाहे के ऊपर निर्भर रहती है, क्योंकि चरवाहा को पता है कि किस जगह पर पौष्टिक आहार है, किस जगह पर भरपूरी की घास है, किस जगह पे एबंडेंस है जहाँ पे मैं अपनी भेड़ों को चराऊं। सो दाऊद वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। कौन? परमेश्वर पिता। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ध्यान दीजिए, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको विश्राम मिले, आपको शांति मिले, आपकी उन्नति हो, आपके जीवन की भरपूरी हो, ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ओर से है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता आपको हरी हरी चराइयों में ले जा रहे हैं, परमेश्वर पिता आपको उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पे जीवन जल की नदियाँ बह रही है, परमेश्वर पिता आपको धर्म के मार्ग में लेकर के जा रहे हैं, परमेश्वर पिता आपके जी में जी ले आ रहे हैं, परमेश्वर पिता आपको अपने नाम की महिमा के लिए उपयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपके जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है। ये सारा काम परमेश्वर पिता कर रहे हैं, पर ध्यान दीजिए, मैं और आप हम मनुष्य हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम जानबूझ करके और कई बार गलती से हम कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं, हम कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिसमें, जो मेरे और आपको नहीं करना चाहिए, जिसे हम मिस्टेक बोल सकते हैं, हम गलतियां बोल सकते हैं, और वो जो मार्ग या कदम जो हम उठाते हैं वो हमारे लिए कई बार हानिकारक होता है, हमारे लिए डेंजरस होता है। परंतु मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि यदि आपने ऐसा कदम उठाया है, जो कदम या जो मिस्टेक आपने की है जो आपके लिए हानिकारक है, परमेश्वर पिता आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चौथे पद में, अगले पद में दाऊद बोलता है, यहाँ पे परमेश्वर पिता अब दाऊद को लीड नहीं कर रहे, दाऊद बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूँ। ध्यान दीजिए, परमेश्वर पिता दाऊद को लेकर के नहीं जा रहे हैं अंधकार की तराई में। दाऊद ने क्या बोला? यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। सारी जितनी अच्छी चीज़ें हैं, भरपूरी की चीज़ें हैं, आशीष की चीज़ें हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं। परंतु दाऊद जैसा
वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने बोला ये मेरे मन के अनुसार है। दाऊद ने भी कुछ ऐसा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि कई बार हम गलत कदम उठा लेते हैं। दाऊद ने भी कुछ गलत कदम उसने उठाए और दाऊद ने उसे एक्सपीरियंस किया कि चाहे मैं परमेश्वर पिता तू मुझे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में नहीं ले जा रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूँ मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं जान रहा हूँ परमेश्वर पिता जब मैं अंधकार से भरी हुई तराई में चल रहा हूँ, चारों ओर हानिकारक वस्तुएं हैं, मौत की चीज़ें हैं, डेंजरस चीज़ें हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जितनी भी अच्छी और भली वस्तुएं हैं वो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में आते हैं। फिर भी से यदि आपने कोई ऐसा गलत कदम उठाया है जो आपके लिए हानिकारक है, डू नॉट फियर, उसमें बिल्कुल मत डरिए क्योंकि परमेश्वर पिता आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने वचन की स्टार्टिंग में मैंने बोला इब्रानियों 13वें अध्याय के 5वें पद में परमेश्वर पिता बोल रहे हैं मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। चाहे आप किसी भी स्थान में क्यों ना जाए, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो वैली हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो तराई हो, परमेश्वर पिता हमेशा आपके साथ है। अभी हम किस में हैं? हम मरकुस रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हैं। मैं आपके साथ अभी क्या शेयर किया कि यदि आप गलती से आप कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसमें आपसे मिस्टेक हो जाती है, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। इसी चीज़ को हम देखेंगे 10वें अध्याय में, परंतु हम जाएंगे एक दूसरे सुसमाचार में जो कि है लूका रचित सुसमाचार। अपनी बाइबल में खोल लीजिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय। देखिए हम बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में मैं और आप चल रहे हैं, बाइबल के संदर्भ में हम चल रहे हैं। मरकुस 10 में हमने क्या देखा कि वो अंधा भिखारी वो यरीहो को छोड़ करके वो यरूशलेम को गया महिमा के स्थान में, क्योंकि बाइबल हमको बताती है वो भीड़ में यीशु के पीछे हो लिया। और 11वें अध्याय के पहले पद में बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह बैतनिया और बैतफगे जैतून पहाड़ में वो यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश किए। अब ध्यान दीजिए, ये 10वां अध्याय था मरकुस। अब हम आ जाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में। यहाँ पे बाइबल हमको बताती है, दिस इज़ वेरी फ्रेश, ये परमेश्वर ने मुझे हाल ही में अपने वचन में परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एक व्यक्ति जो था वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। देखिए परमेश्वर पिता उसे लेकर के नहीं जा रहे, प्रभु यीशु मसीह उसे लेकर के नहीं जा रहे, प्रभु यीशु मसीह इस अंधे भिखारी को यरीहो से निकाल करके यरूशलेम लेकर के गए। जितनी भी दाऊद ने जो अच्छी चीज़ें बोली कि तू मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, इट इज़ ऑल फ्रॉम गॉड, ये सारी अच्छी वस्तुएँ परमेश्वर की ओर से थी। प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधे भिखारी को यरीहो से निकाले, उस पाप के गर्त में से, उस बीमारी में से, उस तकलीफ में से, उसके जीवन की जो परेशानी थी उसमें से निकाल करके प्रभु यीशु मसीह उसको यरूशलेम में ले गए। लूका 10वें अध्याय में एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति उस महिमा के स्थान को छोड़ करके, उस अनुग्रह के स्थान को छोड़ करके, उस प्रेज और वर्शिप के स्थान को छोड़ करके यरूशलेम से वो यरीहो को जा रहा था। जस्ट अपोजिट, दोनों 10 अध्याय है, मरकुस 10 अध्याय, लूका 10 अध्याय, दोनों 10 अध्याय है। परंतु बाइबल हमको बताती है परमेश्वर पिता उसे लीड नहीं कर रहे थे, जैसे दाऊद ने बोला चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं। ये व्यक्ति अपने स्वयं के अनुसार इसने निर्णय लिया कि मैं यरूशलेम से यरीहो की ओर जाऊंगा, चाहे मैं जाऊंगा यरूशलेम से यरीहो की ओर था। बाइबल हमको बताती है कि यरीहो जो है वो डाकुओं से भरा हुआ स्थान था। बैक इन दोज डेज यरीहो में कोई भी जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि यरीहो में उस समय में डाकू रहा करते थे और जो भी यात्री और मुसाफिर वहाँ से निकला करते थे डाकू उनके ऊपर अटैक करते थे और उन्हें लूट करके वो ले जाते थे। ये जो व्यक्ति है ये यरूशलेम से यरीहो को जब जा रहा था, सेम वही चीज़ हुई जो हिस्ट्री में होती थी, इतिहास में, यरीहो के इतिहास में जो होता था, डाकुओं ने उसके ऊपर अटैक किया, उसके ऊपर हमला किया और उसके कपड़े, उसके वस्त्र को ले करके उसे अधमरा छोड़ करके वहाँ पे चले गए। अब बाइबल हमको बताती है, जैसे मैंने आपको अभी भजन संहिता 23 में से मैंने बताया, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूँगा मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब वो अधमरा पड़ा हुआ था, मरने की कगार पर था, कोई आशा नहीं थी, बाइबल हमको बताती है एक सामरी यात्री वहाँ पे आ निकला और उसे देख करके तरस खाया।
एंड आई टेल यू, मैं और आप हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये सामरी जो पुरुष है ये और कोई नहीं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। बट आई विल शो यू फ्रॉम गॉड्स वर्ड, मैं अभी इस मीटिंग में मैं आपके साथ शो करूँगा वर्ड टू वर्ड, वचन से वचन मैं आपके साथ शो करूँगा कि कैसे ये सामरी पुरुष हमारे प्रभु यीशु मसीह है। दिस इज़ वेरी अमेजिंग। हमको पता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह है, बट बाइबल इंटरप्रेट्स बाइबल, बाइबल व्याख्या करती है बाइबल की, और हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे कि कैसे ये हमारे प्रभु यीशु मसीह है जो अनुग्रह से भरे हुए हैं। पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता। जस्ट थिंक, प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आए, प्रभु यीशु मसीह क्या बन करके आए? वो एक सामरी यात्री बन करके आए। जो सामरी लोग होते थे वो बहुत ही, जो यहूदी लोग होते थे, जूश पीपल, वो सामरी लोगों को बहुत ही निकृष्ट और तुच्छ मानते थे। इसीलिए जो जब यरूशलेम से, जब यहूदिया से गलील को जाया जाता था तो सामरिया बीच में पड़ता था, और इस तरफ में है एबाल पर्वत, माउंट एबाल, इस तरफ है माउंट गेरिज़िम, गेरिज़िम पर्वत और इबाल पर्वत। तो गेरिज़िम पहाड़ के पीछे से यहूदी लोग घूम करके वो ऊपर की ओर जाया करते थे, गलील की ओर वो जाया करते थे। वो इस सामरिया में प्रवेश करना नहीं चाहते थे क्योंकि सामरी लोगों को वो बहुत निकृष्ट और तुच्छ मानते थे, बहुत छोटा मानते थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इस पैशन वीक में स्पेशली, कि जो सामरी लोग हैं ये भी अपने आप को यहूदियों से अलग मानते हैं। सामरी लोगों के अलग महायाजक होते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली प्रिय भाई और बहनों, जब मैं इसके ऊपर एक बार मैं मेडिटेट कर रहा था, मैंने इसमें ये पाया कि सामरी लोग वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। उनकी जो ऑफरिंग है, उनका बलिदान है, वो अलग है। उनका जो महायाजक है वो अलग है। उनकी जो सारी जो रीति विधियाँ हैं वो यहूदियों से अलग है। पर फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को डायरेक्टली वो नहीं एक्सेप्ट करते, बट जो उनकी जो ऑफरिंग जो होती है, उनका जो फसह का पर्व जिस प्रकार से वो मनाते हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। इनडायरेक्टली में दूसरे तरफ से यदि हम देखें तो वो हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह को वो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। कैसे? मैं आपके साथ बहुत कम शब्दों में इसे बताना चाहता हूँ कि जब सामरी लोग जब वो फसह के पर्व को मनाते हैं तो सामरियों के पास एक भट्ठा होता है, और ये यहूदी लोगों से बिल्कुल अलग है। यहूदी लोगों का फसह का पर्व आपको निर्गमन 12वें अध्याय में पढ़ने को मिलेगा, परंतु सामरियों का जो फसह का पर्व है ये बहुत डिफरेंट है। सामरी लोगों के घर में जब वो फसह का पर्व मनाते हैं उनका अलग महायाजक रहता है, और महायाजक उनको आदेश देता है कि तुम इस प्रकार से फसह के पर्व को तुम मनाना। तो सामरी लोगों के घर में एक भट्ठा होता है, उस भट्ठे में जो फसह का जो मेमना रहता है, उस मेमने को सेम वो गर्दन को बहुत जल्दी से वो स्लाइस करते हैं, काटते हैं, और मेमना अनकॉन्शियस हो जाता है। और वो जो सामरी लोग हैं वो मेमने को उस भट्ठे में 3 घंटे के लिए रखते हैं, 3 घंटे के लिए। जस्ट थिंक, अब ये कैसे बाइबल में रिलेवेंट होता है? बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस में बलिदान हुए, दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक 3 घंटे तक प्रभु यीशु मसीह क्रूस में थे। सो एक्चुअली वो प्रभु यीशु मसीह 3 घंटे तक परमेश्वर के उस आग के, परमेश्वर की उस भट्ठे में, परमेश्वर का जो भट्ठा है वो परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का गुस्सा है, परमेश्वर का रोष है, जो मेरे और आपके पापों के विरुद्ध था, जो प्रभु यीशु मसीह को स्ट्रोक आफ्टर स्ट्रोक क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को वो मार पड़ी, वो पीड़ा प्रभु यीशु मसीह ने सही। 3 घंटे तक उस भट्ठे में प्रभु यीशु मसीह को तपाया गया। वो न्याय की आग, वो दंड की आग बुरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को जलाई। तो जो निर्गमन 12वें अध्याय में परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला कि तुम उस मेमने को फसह के मेमने को कच्चा या पानी में भिगो करके नहीं खाना, उसे भूंज करके खाना, मतलब यीशु की पीड़ा को तुम स्मरण करना, परमेश्वर ने उन्हें बोला था। टाइमिंग की वहाँ पे बात परमेश्वर ने नहीं की थी, परंतु सामरियों का जो केस है इसमें हमें समय देखने के लिए मिलता है। 3 घंटे तक सामरी लोग उससे मेमने को भट्ठे में रखते हैं, जो और कोई नहीं हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों को रिप्रेजेंट करता है। अमेजिंग, बाइबल इज अमेजिंग। यू नो, सामरी भी उसी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, भले ही तरीका दूसरा है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह पर वो भी विश्वास करते हैं। और 3 घंटे तक उस मेमने को वो आग में रख करके फिर फसह के मेमने को वो ग्रहण करते हैं। बाइबल इज वेरी अमेजिंग। सो प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक सामरी यात्री बन करके वहाँ पे आए। तो सामरी लोग जो होते थे वो यहूदियों से बहुत छोटे थे, उनका जो स्टैंडर्ड था बहुत छोटा था, निकृष्ट माने जाते थे, छोटे माने जाते थे। जस्ट थिंक,
प्रभु यीशु मसीह यदि वो चाहते तो एक राजा बन करके वहाँ पे आ सकते थे। और बाइबल हमको बताती है कि पहले एक याजक वहाँ से निकला, एक लेवी वहाँ से निकला, और वो दोनों जो थे, याजक जो थे वो यहूदी थे, याजक और लेवी वो जूश लोग थे। आज हम सोचते हैं कि याजक जो है वो उसके ऊपर रहम नहीं खाया, उसके ऊपर वैसा नहीं किया, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप व्यवस्था में रहेंगे, आप यदि व्यवस्था के अधीन है, जो मैंने पिछले हफ्तों में आपके साथ शेयर किया, यदि आप व्यवस्था में हैं तो आप पूरी तरह से बंधे हुए हैं। ये जो याजक और लेवी हैं ये व्यवस्था के द्वारा बंधे हुए थे, ये आज्ञा के द्वारा बंधे हुए थे, यदि वो उसे छू देते तो ये अशुद्ध हो जाते। इसलिए आज आपको अनुग्रह में रहने की ज़रूरत है प्रिय भाई और बहनों। ग्रेस इज द हैंड दैट टचेज द लेपर एंड द क्लीन मेक्स द अनक्लीन क्लीन। इसे समझिए कि व्यवस्था में क्या था कि जो जो कोढ़ी लोग रहा करते थे उन्हें शहर से अलग रखा जाता था, क्योंकि यदि कोढ़ी किसी शुद्ध मनुष्य को छू देता है, उदाहरण के लिए यदि वो याजक को छू दे या याजक की परछाई में वो आ जाए, तो याजक जो शुद्ध है वो अशुद्ध हो जाता। परंतु अनुग्रह का जो केस है ये बिल्कुल डिफरेंट है। प्रभु यीशु मसीह जो शुद्ध है वो उस कोढ़ी को जब छुए, मत्ती 8वें अध्याय में, जो कि अशुद्ध है, तो यीशु मसीह की शुद्धता उस कोढ़ी में आ गई। उस कोढ़ी की अशुद्धता यीशु में नहीं आई, यीशु की शुद्धता उस कोढ़ी में आ गई और वो कोढ़ी उसी वक्त वो चंगा हो गया। ये अनुग्रह है प्रिय भाई और बहनों। सो प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु होने के बावजूद, जिनकी एक आदेश से स्वर्ग और पृथ्वी कांपती है, स्वर्ग और पृथ्वी उनकी आज्ञा को मानती है, वो कैसे प्रकट हुए? एक सामरी के रूप में, एक सामरी बन करके प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे प्रकट हुए, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सामने में आए। ये हमारी प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता को दर्शाती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि आप उसकी सेवा टहल की जाए, पर मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि स्वयं कि वह आप दूसरों की सेवा टहल करें। सो प्रभु यीशु मसीह सामरी के रूप में आ करके डिमॉन्स्ट्रेट किए, ये प्रकट किए कि मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हारी सेवा करूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको बचाऊँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको अनंत जीवन दूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में भी बोला कि मैं आया हूँ, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। मैं आया हूँ कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले, और इस जीवन के लिए यीशु ने क्रूस में एक दाम चुकाया है। सो अब हम जान रहे हैं कि ये जो सामरी है ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। परंतु क्या हम बाइबल में से देख सकते हैं कि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं? ऑफ कोर्स, वर्ड टू वर्ड मैं आपके साथ इसे बाइबल में से दिखाऊंगा। अभी आप बाइबल खोले हैं तो लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय का 33वें पद में आप कुछ शब्दों को अंडरलाइन करते चलिए। बाइबल हमको बताती है कि एक सामरी वहाँ पे आ निकला। पहला शब्द को मार्क करिए, निकला शब्द पहला शब्द है। एक सामरी वहाँ आ निकला। दूसरा शब्द, और उसे, उस व्यक्ति को, उसे देखकर, आपकी बाइबल में है उसे अंडरलाइन करिए, दूसरा शब्द देखकर। और तीसरा शब्द है तरस खाया। इन तीनों शब्दों को अपनी बाइबल में अंडरलाइन करिए। एक सामरी वहाँ पे आ निकला और उसे देख करके तरस खाया। ये तीन शब्द हमको देखने को मिलते हैं। ये इन तीन शब्दों को जब आप यहाँ पे मार्क कर लिए हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में हम जाएंगे। ये भी गॉस्पेल है, परंतु अब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जा करके देखेंगे कि ये मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह हैं। खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 14वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसका 14वां पद, और इन तीन शब्दों को देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने निकल कर, पहला शब्द एक सामरी यात्री आ निकला, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी, दूसरा शब्द बड़ी भीड़ देखी, और तीसरा शब्द और उन पर तरस खाया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और बाइबल आगे बोलती है और उनके बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। रेलिवेंसी देखिए किस प्रकार से बाइबल एक दूसरे से क्लब होती है। मत्ती 14:14 में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आ निकले, वह उसने निकल करके, पहला शब्द, एक बड़ी भीड़ देखी, दूसरा शब्द, और उन पर तरस खाया, और बाइबल चौथा शब्द वहाँ पे मिलता है और उनके बीमारों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वापस आ जाइए लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 33 और 34 पद को भी आप देखिए। एक सामरी यात्री वहाँ पे आ निकला और उसे देख करके तरस खाया, और बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर तरस खाए तो प्रभु यीशु मसीह उसके घाव में
तेल और दाखरस डाल करके पट्टियाँ बांधी। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जो बीमारी थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वाओ, आई लव बाइबल, हालेलुया, दिस इज़ अवर जीसस। आई बिलीव कि आप निश्चित इस प्रकाशन से आप आशीषित हुए कि ये मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह हैं। This is our Jesus, and word to word, एक एक शब्दों में बाइबल हमको बताती that how Jesus, ये भी हम 10वें अध्याय में हम देख रहे हैं इसे, लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में। अब आप देखिए प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, 10, 10, 10, प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को आप देखेंगे, उसके 38वें पद में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से परमेश्वर ने अभिषेक किया था कि वह भलाई करता हुआ फिरा और सबको जो शैतान के सताए हुए थे क्या करता हुआ फिरा, चंगा करता हुआ फिरा। आई लव दिस, दिस इज अवर जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दिस इज अवर जीसस। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं जो भलाई करते हुए फिरे और सबको जो शैतान के सताए हुए थे। जो आपके जीवन में बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, आई वॉन्ट टू टेल यू, प्रेरितों के काम 10:38 बाइबल हमको बताती है वो शैतान की ओर से है। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बीमारी परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की इच्छा है कि आप बीमार रहो। नहीं, परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वस्थ रहो। 3 यूहन्ना उसका 2 पद, हे प्रिय, जिस प्रकार से तू उन्नति कर रहा है, मेरी इच्छा है कि तू हर एक बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरी ये प्रार्थना है प्रिय, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, दिस इज़ माय प्रेयर फॉर यू कि तू भला चंगा रहे। पर ये जो जितनी तकलीफें आपके जीवन में है ये शैतान की ओर से है, और प्रभु यीशु मसीह शैतान की तकलीफ़ों से जो आपके जीवन में है आपको बचाने के लिए और आपको जीवन देने के लिए आए। सो बाइबल हमको बताती है कि ये जो व्यक्ति है ये यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, और जब वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था इसने गलत मार्ग लिया, इसने गलत डिसीज़न लिया, परंतु प्रभु ने इसे नहीं छोड़ा। आज आपने यदि अपने जीवन में कोई गलत डिसीज़न लिया है, आपने कोई गलत काम किया है, आई वॉन्ट टू टेल यू फ्रॉम गॉड्स वर्ड कि प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेंगे। यदि आपको हानि भी पहुँच रही है, आपको क्षति भी पहुँच रही है, तो वो जो सच्चा और अच्छा चरवाहा है वो वहाँ पर खड़े हुए हैं कि आ करके आपके घाव पर, जिस जगह पर आपको क्षति पहुंची है, आपको हानि पहुंची है, उसमें तेल और दाखरस डाल करके वहां पे पट्टियां बांधें। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और बताना चाहता हूं कि अभी हमने किस में देखा कि प्रभु यीशु मसीह है, मत्ती 14:14 हमने देखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ही वो सामरी यात्री हैं। जब आप इन दो फिगर्स को, दो नंबर हमारे पास आते हैं 14+14, जब आप इसको जोड़ोगे, आप इसको ऐड करोगे, तो आपको मिलेगा 14+14 28। यरूशलेम से यरीहो की जो दूरी है वह अप्रॉक्सीमेटली 28 किलोमीटर है। 28 किलोमीटर्स यरूशलेम से यरीहो की जो दूरी है वो 28 किलोमीटर है। एग्जैक्टली, इट इज़ नाउ मोर क्लियर कि यरूशलेम से यरीहो 28 किलोमीटर, और ये जो सामरी यात्रियाँ निकला, आई बिलीव कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में थे, उनकी प्रेजेंस वहाँ पे थी। पर जब ये एक व्यक्ति, एक भेड़, जब उसने गलत मार्ग ले लिया, इस एक भेड़ को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से यरीहो को गए और उसे बचाए। उस 28 किलोमीटर की यात्रा को प्रभु यीशु मसीह ने किया। दिस इज़ अवर जीसस। आज जो हमारा जो फोकस है, आज बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम हजारों लोगों को प्रीच करें, जो उनकी डिमांड रहती है कि 10,000 लोग रहेंगे तब हम वहाँ पे प्रीच करेंगे। मेरी बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ को भी, यदि वो यीशु को ग्रहण करना चाहती है, प्रभु यीशु मसीह उसे प्रीच करते थे। मरकुस 5वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि गिदरेनियों के देश में एक सेना नाम का व्यक्ति था जिसमें 6,000 दुष्ट आत्माएँ थीं। प्रभु यीशु मसीह उस एक भेड़ को बचाने के लिए पूरे गलील झील को प्रभु यीशु मसीह पार किए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत रोकने की कोशिश की। गलील झील में जो तूफान आया वो इसलिए नहीं था कि एटमॉस्फियर और वेदर कंडीशन के कारण वहाँ पे तूफान आया, नहीं, शैतान प्रभु यीशु मसीह को रोक रहा था कि उस गिदरेनियों के देश में प्रभु यीशु मसीह ना पहुँच पाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह आए, एक हाथ उठा करके एक शब्द बोले, शालोम, शांत हो जा, सारी चीज़ शांत हो गई। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह गए उस एक भेड़ के कारण, उस एक भेड़ को बचाने के लिए, और उस एक भेड़ को प्रभु यीशु मसीह बचाए, उसे चंगा किए। और बाइबल हमको बताती है कि वहाँ के लोगों ने नहीं चाहा, उन्होंने मांग की कि तू यहाँ से चला जा,
प्रभु यीशु मसीह तो वहाँ से चले गए, परंतु वहाँ पे एक इवेंजलिस्ट को यीशु मसीह छोड़ करके गए थे। बाइबल बताती है कि ये जो व्यक्ति जिसमें दुष्टात्मा थी, जब इसने यीशु के अनुग्रह को पाया, कोई व्यवस्था कोई आज्ञा इसने अपने जीवन में नहीं पाई, इसने कुछ भी नहीं पाया कि तुम अपने जीवन को सुधारो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, नहीं, सिर्फ अनुग्रह से चंगाई को प्राप्त की, उसी घड़ी वो इवेंजलिस्ट बन गया और गिद्रेनियों के देश में जाकर के ये प्रचार किया, यीशु मसीह का प्रचार किया, अनुग्रह के सुसमाचार के इस व्यक्ति ने प्रचार किया। जीसस गोज आफ्टर द वन शीप, एक भेड़ को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, और आज आप वो एक भेड़ हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको रीच कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पास आना चाह रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, आपको चाहते हैं कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करें। बाइबल हमको बताती है कि यरूशलेम जो है ये एक वो प्लेस है जहाँ पे परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है। मैं बाइबल के शब्दों में इसे बोलना चाहूँगा, इब्रानियों उसके 12वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 12वें अध्याय के 22, 23 और 24 पद को। वहाँ पे बाइबल बोलती है कि तुम तो सियोन पहाड़ के पास जीवते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम, लाखों स्वर्गदूतों, और वहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे जब आप 23 और 24 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, और वे पुरुष, पहलौठे पुरुष और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं, और नई वाचा के मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह के पास तुम आए हो, तुम स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हो। और जब आप स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हैं तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप वापस उस पाप के जगह में जाएं, वापस आप उस यरीहो में जाएं, क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को पा लिया है। फिर भी से यदि आप कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे आपको लगता है कि मैं गलत कर बैठा हूँ, मैं गलत स्टेप्स ले लिया हूँ, आई वॉन्ट टू एश्योर यू, मैं परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा चरवाहा है वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे और वो कभी आपको नाश होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं और आप यीशु मसीह की भेड़ हो। यीशु मसीह आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। और बाइबल मेरे और आपको बताती है, इस फाइनल पॉइंट के साथ हम इस मैसेज को क्लोज करेंगे, और वो पॉइंट ये है कि जब आपने यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है, जब आपने परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में पाया है, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, बाइबल हमको बताती है, पहला कुरंथियों उसके पहले अध्याय को ही जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सामर्थ और ज्ञान ठहरे हैं। पहला कुरंथियों के पहले अध्याय में ही आपको मिलेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान ठहरे हैं। तो आज जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया है, आपने परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में पाया है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि ज्ञान और बुद्धि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, जिसको हिंदी में बोला जाता है बुद्धि, और विजडम मतलब ज्ञान। जब आप पढ़ेंगे याकूब उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद को, वहाँ पे लिखा हुआ है, तुम में से जितनों को बुद्धि की घटी है, तो हम सोचते हैं कि ये नॉलेज की बात है। नहीं, नॉलेज आप कैसे प्राप्त करते हैं, जब आप सांसारिक पढ़ाई करते हैं, अपनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ये है बुद्धि, ये है नॉलेज। परंतु जो विजडम है, जो ज्ञान है, जो समझ की आत्मा है, ये परमेश्वर की ओर से आती है। और याकूब 1:5 में हमारी हिंदी ट्रांसलेशन में बुद्धि लिखा हुआ है, परंतु जब आप इंग्लिश में देखेंगे और ग्रीक में आप देखेंगे, यूनानी भाषा में आप देखेंगे, क्योंकि हमारा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको मिलेगा इंग्लिश में लिखा हुआ है विजडम और यूनानी भाषा में लिखा हुआ है सोफिया, विजडम। और ये सेम यूनानी शब्द सोफिया आपको मिलेगा पहला कुरंथियों पहला अध्याय में, आपको मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सामर्थ और ज्ञान ठहरा है। ग्रीक वर्ड है सोफिया। तो यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरे हुए हैं। नाउ जो फाइनल पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो ये है कि जब आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लिया है, उस परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान को आपने अपने जीवन में पा लिया है, आप यरीहो को निश्चित छोड़ करके आप यरूशलेम को आप जाएंगे। आई गारंटी कि आप उस पाप के स्थान को छोड़ करके, यरीहो को छोड़ करके, जिस प्रकार से उस बरती माई ने, उस व्यक्ति ने जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, जब उसने यीशु को अपने जीवन में पाया जो कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, वो यरीहो को छोड़ करके यरूशलेम को वो गया। इज देयर एनी एविडेंस इन द बाइबल? यस। और उसी एविडेंस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। जब सुलेमान ने
जब वो परमेश्वर से बुद्धि को उसने प्राप्त की। बाइबल हमको बताती है, पहला राजा उसके तीसरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, बाइबल हमको बताती है कि सुलेमान गिबोन में था, और जब गिबोन में वो था तब परमेश्वर पिता स्वप्न में परमेश्वर पिता उसके पास आए और आ करके बोले कि सुलेमान मांग, तू मुझसे क्या मांगता है, आई विल गिव इट टू यू। सी रिलेशन देखिए, मरकुस 10 में हमने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, ask me what I give to you। सेम प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, परमेश्वर पिता ने क्या बोला सुलेमान को, सुलेमान मांग, तू जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा, whatever you want I will give it to you। सेम रिलेशन देखिए, किस प्रकार से बाइबल इंटरलिंक होती है और पवित्र आत्मा अनवेल करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को। सुलेमान ने परमेश्वर पिता से बोला कि परमेश्वर पिता मेरे सामने में एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सामने में है, और वो जिम्मेदारी है कि आपने मुझे इसराइल का तीसरा राजा आपने मुझे नियुक्त किया है और आपकी भेड़ों को मुझे चराना है। इसलिए परमेश्वर पिता मुझे भले और बुरे को समझने की शक्ति दीजिए। वहाँ पे समझने में आपकी बाइबल में स्टार बना हुआ है, आप उसे देखेंगे और फुट नोट में आपको मिलेगा बुद्धि, इंग्लिश में लिखा हुआ है विजडम। वहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती, प्रिय भाई और बहनों, इंग्लिश में लिखा हुआ है सुलेमान ने परमेश्वर से बोला लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे एक समझ वाला हृदय दीजिए। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो भले ही उम्र में बड़े हो गए हैं, उनकी एज हो गई है, मैच्योर हो गए हैं, पर उनमें समझ नाम की एक भी चीज़ नहीं है। क्योंकि आप बुद्धि को पढ़ाई करके आप प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो समझ है, समझने की जो शक्ति है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो विजडम है, ये परमेश्वर की ओर से आती है, ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। सो भले ही आपके पास बुद्धि है, मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप परमेश्वर से ज्ञान मांगिए, एक समझने की शक्ति को मांगिए। जैसे ही परमेश्वर से सुलेमान ने मांगा, परमेश्वर पिता मुझे एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझने वाला हृदय दीजिए कि मैं आपकी प्रजा का मैं न्याय कर सकूं, परमेश्वर पिता ने उसे ग्रांट किया, परमेश्वर पिता ने उसे दिया। और तुरंत उसमें आप पढ़ेंगे पहला राजा उसके तीसरे अध्याय में कि जैसे सुलेमान को विजडम मिला, सुलेमान को ज्ञान मिला, सुलेमान को एक समझ वाला हृदय मिला, बाइबल हमको बताती है कि सुलेमान उठा स्वप्न से और वो गिबोन को छोड़ करके यरूशलेम को वो चले गया। आई लव दिस, वो गिबोन को छोड़ करके वो यरूशलेम को गया। ये पहचान है कि उसने विजडम को प्राप्त किया था, उसने परमेश्वर से समझ को प्राप्त की थी, क्योंकि वो जान रहा है यरूशलेम में परमेश्वर की प्रेजेंस है, और उस समय में परमेश्वर के वाचा का संदूक यरूशलेम में था। और वाचा का संदूक मैंने आपके साथ शेयर किया, वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। सो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में है। और सुलेमान गिबोन को छोड़ करके जब हम पहला राजा तीसरे अध्याय को देखते हैं, सो वी कैन एज्यूम कि गिबोन जो है वो यरीहो है, और उसने यरीहो को छोड़ करके वो यरूशलेम को गया। क्या सिंबल है, क्या सिम्टम्स हैं, कि उसने ज्ञान को प्राप्त किया, उसने परमेश्वर की समझ को उसने प्राप्त किया सुलेमान ने। और उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति था बर्तिमाई यरीहो में था, या आप जब आप पुराने नियम से देखेंगे तो आप मान लीजिए वो गिबोन में था, परंतु जब उसने यीशु मसीह को उसने प्राप्त किया, यीशु मसीह ने भी पूछा व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, या पुराने नियम के शब्दों में, सुलेमान के शब्दों में जो परमेश्वर ने बोला मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तुझे क्या दूं, मांग। और उसने बोला प्रभु यह कि मैं देखना चाहता हूँ, प्रभु ने उसे दिया। और जब उसने प्रभु के प्रकाशन को पाया, प्रभु के अनुग्रह को उसने अपने जीवन में पाया, उसने ये पा लिया, उसने समझ को पा लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से सामर्थ और ज्ञान है, वो यरीहो को छोड़ करके वो यीशु के पीछे यरूशलेम को वो चला गया। बाइबल हमको बताती है वो भीड़ में यीशु के पीछे हो लिया, और 11वें अध्याय हमको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश हुआ। वाह, दिस इज अवर जीसस, ये हमारे अनुग्रह से भरे हुए प्रभु यीशु मसीह है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा आज इस अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके जीवन में खोल रहे हैं, मेरे और आपके जीवन में इस प्रकाशन को, इस अद्भुत प्रकाशन को पवित्र आत्मा हमारे जीवन में खोल रहे हैं कि हम यीशु मसीह को हम उनके अनुग्रह में देखने के लिए पा रहे हैं। किस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ नथिंग इज इररिलेवेंट इन द बाइबल, बाइबल के एक एक शब्द, एक एक नाम, एक एक अक्षर, इवन एक एक अध्याय, एक एक हर एक चीज़ों का एक विशेष महत्व है। जैसे मैंने आपके सामने अभी शेयर किया मत्ती 14 और 14,
हम उसे पढ़ करके हम निकल गए, बट वी सी कि जब हम उसे जोड़ते हैं तो हमको पता चलता है कि यरूशलेम से यरीहो की दूरी 28 किलोमीटर है। सो इट इज़ ऑल अबाउट जीसस, आवर बाइबल इज़ ऑल अबाउट जीसस। आज हमको इसे खोल करके हमको यीशु मसीह को देखने की ज़रूरत है। सो ये था वो विशेष मैसेज, फ्रेश रेवलेशन कि किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपनी एक एक भेड़ों को, जो खोई हुई है, जो भटकी हुई है, जो किसी भी कोने में जो भेड़ फैली हुई है, प्रभु यीशु मसीह उसको रीच करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज आपके पास यदि यीशु को जानने का हृदय है, भले ही आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, भले ही आपके पास मटेरियल नहीं है प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, परंतु यदि आपके पास एक हृदय है कि मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, यीशु को पहचानना चाहता हूँ, मैं यीशु को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी आप द्वीप में क्यों ना हो, आइलैंड में क्यों ना हो, कोई भी पृथ्वी की छोर में क्यों ना हो, परमेश्वर पिता अपने सेवक को, अपने दास को आपके पास भेजेंगे और आप यीशु मसीह में बचाए जाएंगे। जैसे कि कुरनेलियुस, वो एक अन्य जाति था, ये भी हमको मिलता है प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में। हमने अभी देखा मरकुस 10, लुका 10, प्रेरितों के काम 10। कुरनेलियुस जो था वो परमेश्वर के लिए हृदय था उसके पास, वो यीशु को जानना चाहता था और उसके पास कोई मटेरियल नहीं था, कोई उसके पास सुविधा नहीं थी जिसके माध्यम से वो परमेश्वर को जाने, परंतु वो दान दक्षिणा करता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने पतरस को बोला, पतरस तू जा, कैसरिया में जा, सिसेरिया में जा, एक व्यक्ति है जो मुझे जानना चाहता है और जा करके उसे मेरे अनुग्रह के बारे में बता। और क्या पतरस ने उसे प्रीच किया, पतरस ने उसे जा करके बोला कि इस व्यक्ति के नाम से, दोज हू विल बिलीव, इस व्यक्ति के नाम से, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें पापों की क्षमा मिलती है। और जैसे ही उसने पापों की क्षमा बात की, अगला पद बाइबल हमको बताता है कि कुरनेलियुस और उसका सारा घराना, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया और कुरनेलियुस वो पहला मनुष्य है, अन्य जाति मनुष्य, जिसने पवित्र आत्मा के दान को पाया। किस प्रकाशन से, कि हमारे सारे पाप यीशु के लहू से क्षमा हो गए हैं। एंड आई बिलीव, प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने भी इस प्रकाशन को पाया है कि आपके सारे पाप यीशु के लहू से क्षमा हो गए हैं। एंड यू विल ऑल्सो रिसीव द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, आप भी पवित्र आत्मा के दान को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में आप पाएंगे। और जब आप पवित्र आत्मा के दान को अपने जीवन में पाएंगे तो आप भी वही काम करेंगे जो पुराने, जो हम बाइबल में, हम प्रेरितों के काम में हम पढ़ने के लिए पाते हैं, जो विश्वास के हीरो ने किया। विश्वास के जितने हीरो हैं वो जिस प्रकार से पवित्र आत्मा से काम करते थे, आज मैं और आप भी हम उसी प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। सो कभी भी निराश मत होइए, आपसे गलतियाँ भी होती है, निराश मत होइए, प्रभु पर विश्वास करिए और प्रभु यीशु मसीह के पास जानने की, यीशु को जानने की और पहचानने की इच्छा रखिए। परमेश्वर पिता कहीं ना कहीं से आपके पास वो अपने सेवक को भेजेंगे। परमेश्वर पिता स्वयं और परमेश्वर ये भी बोले हैं कि अंत के समय में मैं स्वप्न और दर्शन के द्वारा तुमसे बातें करूंगा। सो यदि सेवक नहीं तो परमेश्वर पिता डायरेक्टली आपसे बातें करेंगे और अपने हृदय को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, यदि अभी तक आपने इस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आपने ग्रहण नहीं किया है, मैं आपको और हर एक लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे पीछे करिए, इस प्रेयर को करने में मैं आपकी अगुवाई करूंगा और फिर यीशु मसीह को ग्रहण करके हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। विश्वास के साथ मेरे पीछे इस प्रेयर को करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारी गलतियों को और सारी बुराइयों को लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे हैं और आज आपकी दाहिनी ओर विराजमान हैं। और परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु का पुनरुत्थान मेरी धार्मिकता का सबूत है। प्यारे पिता, आज मैं धर्मी हूँ, आज मैं पवित्र हूँ, उतना ही धर्मी और पवित्र जितने प्रभु यीशु मसीह हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आज मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में।
आज आपकी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है प्यारे पिता, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं सदा आपका प्यारा बेटा हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ, और आप मेरे अब्बा पिता हैं, और मैं विश्वास से आपको पुकारता हूँ, हे अब्बा हे पिता। और आज इस शाम को मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। यदि आपने ये प्रेयर की है प्रिय भाई और बहनों, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है, परमेश्वर के अनुग्रह में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाइए। पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को हर एक खतरों से, हर एक डेंजर से परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करें, अपने मुख का प्रकाश परमेश्वर पिता आपके ऊपर चमकाएं, और खास करके आपको और आपके परिवार को परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे कि आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और आप यीशु मसीह के अनुग्रह में, उनके प्रकाशन में और उनकी सामर्थ में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।